بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन गोभी या गोभी चिकन की रेसिपी। ये हमने इसमें 3 बड़े खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है। फिर हमने इसके अंदर 1 बड़ी प्याज गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। अब हमने इसमें कुछ गरम मसाला डाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा या 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं ज़ीरा डाल दें। मिक्स करके इसे गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज हमारी। अब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमने इसके अंदर 1/2 किलो चिकन डाली है। चिकन को हम अच्छी तरह वाइट करने तक भूनेंगे, अच्छी तरह मिक्स करके भूनेंगे। हमारी चिकन वाइट हो गई है, 5 मिनट तक हमने फ्राई कर ली है। अब हम इसको निकाल देंगे, चिकन को हम निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने चिकन निकाल ली है। अब हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, फुल भर के डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करके इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अभी हमने इसके अंदर 3 दरमियाने टमाटर काट के डाल दिए हैं। टमाटर को भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, दही का 1/2 कप हमने दही का पानी डाला है। अगर आप चाहें तो दही डालने, ये आपके पास ऑप्शन है। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डालेंगे फुल भर के। अब हम इसके अंदर 3 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। वैसे आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, आप कितनी मिर्चें खाते हैं कितनी नहीं। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो हम थोड़ी ज़्यादा खाते हैं। 1/2 चाय का चम्मच हम हल्दी डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसमें हम कुछ हरी मिर्च डालेंगे, आपकी मर्ज़ी आप कितनी डालें। नमक डालेंगे हंसते जाएगा, साल्ट टू टेस्ट। और हम इसके अंदर कोरमा पैकेट, आप किसी का भी ले सकते हैं, शान का या नेशनल का, किसी का भी, 1 खाने का चम्मच कोरमा मसाला डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसको डालेंगे और हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स होकर फ्राई हो जाए। अब हमारा मसाला फ्राई हो रहा है। जब हमारा ये मसाला फ्राई हो जाएगा, हम इसके अंदर गोभी डाल देंगे। 1 किलो हमारी गोभी है, हमने इस तरह काटी हुई है। ये डाल के इसको मिक्स करें अच्छी तरह मिक्स करें।
अब हम इसके अंदर एक गिलास पानी डालेंगे। एक गिलास पानी डाल के हम मिक्स करेंगे और हम इसमें वो चिकन जो हमने फ्राई की थी वो हम वापस डालेंगे। चिकन हमने डाल ली है, अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। अब हमारा खाना पक गया है, अब हम इसके अंदर हरा धनिया काट के डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा खाना कितना लजीज मज़ेदार बना है। गोभी चिकन आप भी बनाएं, बहुत मज़ेदार बनेगा ये। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।